फाइव क्लास के सभी बच्चों को एक बार पुनः वेलकम। आप हिंदी विषय से आज पढ़ेंगे पाठ बारह जो है गुरु और चेला। आपने गुरु और चेला के संदर्भ में कई ऐसे कहानियां पहले भी सुन चुके हैं और कई ऐसे कहानियां और भी सुनने के लिए आपको मिलते रहेगा। और हम यहां देखेंगे कि इस कहानी के माध्यम से, जैसे आपको यह कहानी जो दिया गया है कि गुरु और चेला से संबंधित किस तरह की कहानी है, और यहाँ गुरु अपने चेले के साथ कैसे पेश आते हैं, चेला जो है गुरु के साथ क्या, चेला जो है गुरु के बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, किस तरह की बातें इसमें आती है, यह सारी बातों का जिक्र इसमें हम लोग कविता के माध्यम से करेंगे। तो इस कविता में जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास पुस्तक है तो आप इसे देखते भी रहेंगे कि एक वैसी घटना है जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खा जाए कहावत गांव में चरितार्थ होता है कि जहां अंधेरपुर नगरी हो, यानी कि जहां किसी को ज्ञान की कोई खबर नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, और जहां का राजा ही मूर्ख हो, महामूर्ख हो, चौपट हो, तो समझो और वहां का जो संपत्ति है उस संपत्ति का कोई वैल्यू, सब संपत्ति का एक ही जैसा वैल्यू हो, एक ही जैसा कीमत हो, चाहे वह कितना मूल्यवान क्यों ना हो, चाहे अमूल्य कम मूल्य वाला क्यों ना हो, तो हर वस्तुओं का अगर एक ही जैसा कीमत हो जाए तो समझो कि उस राज्य का राजा जो है बिल्कुल एकदम मूर्खी हो सकता है। तो उसी तरह की ये कविता है। इस कविता को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और इस पे कुछ आधारित प्रश्न है, उस प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखेंगे कविता में कि एक गुरु थे, या गुरु एक थे और एक चेला, गुरु एक थे और था एक चेला, यानी कि एक गुरु थे और एक था क्या, चेला। गुरु एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में था न धेला, चले घूमने पास में था न धेला, यानी कि ये लोग हैं दोनों चेला और गुरु क्या किए कि घूमने के लिए चल दिए, और जब घूमने के लिए चल दिए तो क्या हुआ कि चले चलते चलते मिली एक नगरी, चले चलते चलते मिली एक नगरी, यानी चलते चलते उन लोगों को एक नगरी मिली, चमाचम थी सड़कें, चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगड़ी, चमाचम थे सड़कें, चमाचम थी डगड़ी, यानी चलते चलते उन लोगों को एक नगर मिला। उस नगर की स्थिति देखिए, नगर का रूपरेखा देखिए कि वहां का सड़क जो था वह बिल्कुल चमाचम था, और इतना चमाचम था कि वह डगर भी जो था बिल्कुल चमाचम में चमक रहा था, काफी खुशहाल वहां ऐसे लग रहा था कि लोग काफी खुशहाल है, सब कुछ एकदम साफ सुथरा दिख रहा था। मिली एक ग्वालिन धरे शिष गगरी, मिली एक ग्वालिन धरे शिष गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी। बस समझ रहे हैं, मिली एक ग्वालिन मिली, ग्वालिन समझते हैं ग्वाला की पत्नी ग्वालिन होती है, यानी कि दूध का कारोबार करने वाले जो लोग होते हैं उनको ग्वाला कहते हैं। तो ग्वाला की पत्नी जो होती है उनकी पत्नी ग्वालिन हो गई। तो ग्वालिन एक मिली, और क्या कैसे मिली, तो शीश पे गगरी धरी हुई थी, माथे पे एक गगरी रखी थी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी। जब गुरु ने तेज कहा तो ग्वालिन क्या की कि ग्वालिन ने भगरी, बता कौन नगरी, बता कौन, गुरु ने क्या पूछा, बता कौन नगरी, बता कौन राजा, बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहां बजता बाजा। गुरु यहां पूछ रहे हैं उस ग्वालिन से कि बता कौन नगरी, बता कौन बाजा, यानी यहां कौन सा ये नगरी है, कौन सा यहां राजा है, कि किसके सुयश का यहां बजता बाजा, और किसके यहाँ पे बाजा बजते हैं, किसके ढोल नगाड़े बजते हैं, किसका सुयस यहाँ पे गाया जाता है, किसका गुणगान किया जाता है, यानी कौन राजा है जिनका यहाँ गुणगान किया जाता है। तो देखिए वहां अब इस तरह से कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यानी कि वो आगे बढ़ के बताई कि ग्वालिन आगे बढ़ी और आगे बढ़ के क्या बताई कि महाराज पंडित पधारे भले हो यहां आज पंडित,
आज यह पंडित भले ही पधारे हो, यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब देखिए जो मैंने पिछले जिक्र किया, गुरु ने आगे क्या कहा, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। गुरु ने कहा कि ऐसे राज्य में जान देने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे राज्य में रहकर मुझे मुसीबत मोलने का कोई जरूरत नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन छंद में, न जाने की अंधेर हो कौन छंद में, यहां ठीक रहना समझता न मन में। यानी मन में सोच लिए यहाँ ठीक रहना, यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि न जाने कब मन में अंधेरा आ जाएगा, क्योंकि अंधेरपुर नगरी है और यहाँ का राजा जो है वह अनबुझ राजा है। तो जब अंधेरपुर नगरी है अनबुझ राजा है तो यहाँ कब अंधेरा छा जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ रहना उचित नहीं है। तो आगे गुरु जो है, गुरु क्या कहते हैं कि गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु का विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु का विवश हो पड़ा लौट जाना। यानी गुरु ने अपने चेला से भी कहा कि यहां से वापस चल चलो, ये रहने के लायक नगरी नहीं है, तो रहने के लायक नगरी नहीं है इसलिए यहां से वापस चल चलो। लेकिन चेला जो था उनका यह बात नहीं माना और गुरु को क्या करना पड़ा कि विवश होकर वापस चले गए। गुरु जी वहां विवश हो गए और विवश होकर क्या किए, चेला को वहीं छोड़ दिए और छोड़ के वापस चले गए। तो देखिए आगे फिर क्या होता है, तो आगे होता यह है कि गुरु रह गए, गुरु गए यानी गुरु जी जो थे गए, रह गया किंतु चेला, गुरु गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होऊंगा मोटा अकेला, यही सोचता होऊंगा मोटा अकेला। गुरु जी चले गए और अकेले कौन रह गया, तो अकेले चेला रह गया और वही मन में सोच रहा होगा कि यहाँ रहना मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है, क्योंकि वह देखा कि यहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजे खाने की व्यवस्था हो रही है, और जहाँ टके सिर भाजी टके सिर खाने की व्यवस्था है अर्थात जहाँ पे इतना सस्ता सामान चाहे कुछ भी खाओ उसका दाम अगर टके सिर ही लगता है तो यह रहने के लायक क्या है, यह जगह है। जहाँ मान लो कि अच्छे अच्छे चीज भी खाने के लिए अगर मिल रहे हैं कैसे, तो टके सिर ही मिल रहे हैं, तो जगह कैसा है, तो बहुत अच्छा है, रहने के लायक है। फिर आगे देखिए क्या होता है, आगे होता है चला हाट को देखने आज चेला, चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। यानी कि हाट यानी बाजार, बाजार को देखने के लिए चेला चल दिया, यहाँ का बाजार कैसा है बाजार को कम से कम देख लें, तो वहां पे देखा अजब रेल पेला। यानी इतना ज्यादा भीड़ मचा हुआ था उस बाजार में, बहुत भीड़ था और उस भीड़ में वह देखा भीड़ को, पूरे बाजार की भीड़ को देखा, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। वहां बाजार की स्थिति था कि टके सेर में हल्दी मिलता था, टके सेर में जीरा मिलता था, टके सेर में ककड़ी मिलता था और टके सेर में खीरा भी मिलता था। तो देखो बच्चों, अगर इतना सस्ता मिले तो तुम लोग क्या करोगे, खाओगे ना, ऐसा बाजार मिल जाए तो कैसा लगेगा कि जहां टके सिर हल्दी टके सिर जीरा टके सिर ककड़ी टके सिर खीरा। तो आगे देखिए वो चेला महोदय क्या करते हैं, टके सिर मिलती थी रबड़ी मलाई बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। जब टके सिर में ही रबड़ी मलाई मिलने लगा तो बहुत दिन तक वो रबड़ी मलाई खूब उड़ाते रहे, माने खूब खाते रहे, मन भर खाते रहे, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा स्वाद लेना वो चाहते थे। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, अब देखो बच्चों आगे का हाल क्या ताजा है, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी अनबुझ राजा, क्योंकि ये तो अंधेर नगरी थी, यहाँ का राजा अनबुझ था, तो यहाँ तो कुछ न कुछ तो होने वाला ही था, और चेला महोदय तो खूब एकदम रबड़ी और मलाई को उड़ा रहे थे, छूट के उड़ा रहे थे, तो कुछ न कुछ तो ऐसे होने वाला था। अब देखिए आगे क्या हुआ, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई
कि बरसात आई, धमकती थी बिजली, यानी कि बरसात, बरसात का मौसम था, बरसता था पानी। जब बरसात का मौसम होगा तो क्या होगा, पानी बरसेगा ही, बिजली चमकेगी ही, और बरसात जब आई तो धमकती थी बिजली, बिजली चमक रही थी, बिजली धमक रही थी, गरजे थे बादल झमकती थी बिजली, गरजे थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली, यानी बादल गरज रहे थे, बिजली झमक रही थी, और बरसात जो थी काफी तेज हो रहा था, गहरा बरसात हो रहा था, तो बिजली धमक भी रही थी, बिजली गिर भी रही थी। अब देखो क्या हुआ, गिरिराज की एक दीवार भारी, गिरिराज की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। अब उस राज्य में क्या हुआ कि राज की एक दीवार, जो भारी दीवार था, वो गिर गया, और वहीं पे जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, राजा सवारी से वहां तुरंत पहुंच गए। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। वह संतरी को क्या किया, डपट के बुलाए राजा, और पूछे कि यह दीवार क्यों गिर गया, यह दीवार कैसे गिर गया। तो दीवार कैसे गिर गया, इसमें कहा संतरी ने महाराज साहब, कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खाता मेरी ना मेरा कर्तव्य, न इसमें खाता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यानी संतरी महोदय ने कहा कि महाराज साहब, इसमें मेरी क्या गलती है और मेरा क्या इसमें कर्तव्य है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, यह दीवार पहले से ही कमजोर बनी थी, इसी ने गिरी, यह दीवार पहले ही कमजोर बनी थी, यह दीवार पहले कमजोर बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी, यह न मोटी घनी थी, इसी से गिर गया, यह पहले से बना हुआ था, ये मोटा घना नहीं था, इसलिए क्या हुआ, दीवार गिर गया। फिर आगे बता रहे हैं कि खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खाता मेरी या मेरा कर्तव्य। यानी महाराज, वे राजा से कह रहे हैं कि महाराज, इसमें महाराज से वो बता रहे हैं कि कारीगर की इसमें खता है, कारीगर की इसमें गड़बड़ी है, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गड़बड़ी नहीं है, या मेरा कर्तव्य नहीं है। तो उसके बाद महाराज क्या करते हैं कि बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर, कारीगर को झट से बुलाया गया और कारीगर को वहां बैठाया गया। कारीगर आया जिसने दीवार को बनाया था, दीवार गिरा तो संतरी को बुलाया गया, संतरी ने कहा इसे मेरी कोई गलती नहीं, कारीगर की गलती है, तो कारीगर को बुलाया गया। और जब कारीगर को बुलाया गया तो देखिए आगे राजा के साथ क्या हुआ, कहा कारीगर ने जरा की न देरी, जैसे यहाँ पे कारीगर जो आया तो कारीगर को वहां बैठाया गया, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कंजा दो, यानी कि राजा ने कहा कि इस कारीगर को सजा दो, यही कारीगर गलत बनाया था और इसी का गड़बड़ी है जिसके चलते इसको सजा मिलनी चाहिए। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खाता कुछ न मेरी। जैसे ही राजा ने आदेश दिया तो कारीगर कहने में देरी नहीं किया, उसने कहा कि हे महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है, यह भिस्ती की गलती या उसकी शरारत, यह भिस्ती की गलती या उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत, यानी कि वहां कारीगर ने कहा यह भिस्ती की गलती है, यह भिस्ती की ही शरारत है, किया गारा गीला, गारा को उसी ने गीला कर दिया, और उसी की यह गफलत है, उसी का यह दोष है जिसके कारण यह दीवार गिर गया। राजा कहा राजा ने, देखो तो आगे राजा क्या करते हैं, यानी कारीगर भी वहां बच गया। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल फांसी चढ़ाओ, भिस्ती को बुलाओ और उसे पकड़कर जल्दी क्या करो, फांसी पे चढ़ा दो। चला आया भिस्ती, कुछ हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें
खता कुछ न मेरी, कहा इसमें उसमें इसमें खता कुछ न मेरी। यानी जैसे ही भिस्ती के पास खबर गया तो भिस्ती बिना देरी किए हुए चला आया और कहा कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। यह गलती तो उसका है जिसने मशक को बनाया था, क्योंकि उसका यह गलती है जिसके कारण उसमें ज्यादा पानी समा गया था, और ज्यादा पानी समा गया था तो गीला हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां भिस्ती वाला भी बच गया, अब मशक वाला की बात आ गई। तो मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, राजा के आदेश देने के बाद मशक वाला भी पहुंच गया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, उसने कहा कि इसमें मशक वाले ने बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा इसमें उसने खता कुछ न मेरी, या मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, या मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। यानी कि उसने कहा मशक वाला ने, यह मंत्री की गलती है, यह मंत्री का ही गफलत है और मंत्री की शरारत है और मंत्री की हिम्मत है जिसके कारण से क्या हुआ, यह दीवार गिर गया। तो आगे अब दीवार गिर गया तो मंत्री को तो कुछ मिलेगा ही, मंत्री को क्या मिलेगा, तो अब मंत्री की सजा की बात आएगी। तो देखिए आगे क्या होता है कि मंत्री को कैसे सजा दिया जाता है, कि क्या होता है, उसके बाद अगले बात में हम देखेंगे कि आप मेरे इस कविता को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते रहें, और जहां कहीं भी दिक्कत होता है नोटिफिकेशन में, जैसे आप नोटिफिकेशन में आप कमेंट जरूर करते रहें। तो देखिए आगे अब मंत्री के ऊपर बात आती है, तो मंत्री के साथ क्या होता है, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़े जानवर का चमड़ा इसने दिलवा दिया था, इसमें चुराया नहीं गया, और चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, बिना चुराए हुए इस मशक को बना दिया गया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी या गलती भी रानी। ये बहुत बड़ा मशक बन गया इसलिए इसमें ज्यादा पानी भरता है, यह मेरी गलती नहीं है, यह दूसरे किसी का गलती है, बिरानी का गलती है। तो आगे देखिए अब राजा क्या करते हैं, है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। यानी कि तब राजा ने कहा कि तब मंत्री की गलती है तो मंत्री को लाओ, और हुक्म दिया कि अब मंत्री को क्या करो, फांसी पे चढ़ाओ। चले मंत्री को लेकर जला द फौरन, चले मंत्री को लेकर जला द फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, मंत्री को लेकर जला उसी समय चल दिए उसको फांसी चढ़ाने के लिए। जब फांसी चढ़ाने के लिए चल दिए उसी पल चल दिए, क्योंकि उस राज्य में देर नहीं हो रहा था, एकदम सब काम जल्दी जल्दी हो रहा था। और आप जानते हैं कि क्यों जल्दी हो रहा था, क्योंकि वहां यह अंधेरपुर नगरी था और वहां के राजा क्या थे तो आप जान रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था। तो उसी क्षण आए मंत्री, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। यानी कि मंत्री जो था इतना दुबला पतला था कि उसके गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो, तुम इसी क्षण। यानी राजा ने कहा कि जाओ और जिसकी गर्दन मोटी दिख रही है उसी को पकड़ कर लाओ, और उसी को इसी क्षण क्या करो, फांसी पे चढ़ा दो। बात समझ रहे हैं ना। तो आगे क्या हुआ, चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। जब चले संतरी लोग मोटे गर्दन वाले को ढूंढने, तो चेला जो था हलवा को दनादन क्या कर रहा था, खा रहा था, और पूरा देह फुला के बनाया हुआ था। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। मंत्री संतरी ने कहा कि आप इसी क्षण चलिए,
इसी क्षण इसलिए चलिए क्योंकि महाराज ने आपके लिए क्या किया है, न्योता भेजा हुआ है और न्योता के हिसाब से आप इसी क्षण महाराज के पास चलिए। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। यानी कि उसने सोचा कि राजा मुझको खबर किए हैं तो आज समझो कि मैं अकेले ही बहुत कुछ राजा से हासिल करूंगा, राजा हमको दान देंगे। इसके बाद मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, मगर आकर पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब का एक मेला, वहां जुड़ा था अजब का एक मेला, वहां पे एक अजब का मेला जुड़ा हुआ था। इसके बाद क्या है, अब क्या होना था, यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, यह मोटी गर्दन वाला इसी को बढ़ाओ, राजा ने कहा कि अब इसी को फांसी पे चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खाता तो बताओ, कहा चेले ने कुछ खाता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ, कहा राजा ने चुप बकबक न मचाओ। यानी चेला ने कहा कि मेरी गलती तो बताया जाए कि मुझे फांसी पे क्यों चढ़ाया जा रहा है, तो राजा ने कहा कि बकबक मत कर मचाओ, एकदम चुप हो जाओ, जो हो रहा है बस होने दो, क्योंकि अंधेरपुर नगरी था, ये तो होना था। मगर था ना बुद्धू था चला खेचेला, मगर था ना बुद्धू था चला खेचेला, मचाया बड़ा ही वह पर झमेला, वहीं पर झमेला। यानी कि वह जो था मूर्ख नहीं था, बुद्धू नहीं था, भले वो खाने के लिए देह बना रहा था, यानी देह बनाने के लिए वहां खा रहा था, लेकिन वो बुद्धू नहीं था। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, वो चेला बहुत चालाक था, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, वहीं पे उसने झमेला मचा दिया, राजा का मना करने के बाद भी उसने झमेला मचा दिया। अब झमेला क्या किया, कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ मुझे, बाद में फांसी चाहे फांसी चढ़ाओ, पहले तो मुझे कम से कम गुरु जी का दर्शन कराइए, तब मुझे फांसी पे चढ़ाना है तो चढ़ा दीजिएगा। गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। जब गुरु जी को वहां बुलाया गया तो चेला को देखे कि वो तो रो रहा था, और क्यों रो रहा था, गुरु जी ने चेले को क्या किया कि गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ सुन गुनगुनाया, गुरु जी आए, सब चीजों को जब समझ गए, सब बातों को समझ गए, तो चेला के मन कान में कुछ बातों को बोले, मंत्र को गुनगुनाए, और कैसा मंत्र गुनगुनाए, तो आगे देखिए कि अब क्या होता है, कि झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेल पेला। यानी कि अब इन दोनों में, गुरु और चेला में धक्का धुकी होने लगा, आपस में झगड़ने लगे। क्यों झगड़ने लगे, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। यानी कि गुरु ने कहा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा और चेले ने कहा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और दोनों के बीच में घींचा घींची होने लगी और कहा सुनी होने लगी। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। हटाने से दोनों नहीं हट रहे थे, छुड़ाने से दोनों नहीं छूट रहे थे। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है। तो इसमें जैसे ही राजा ने आगे बढ़ के यह जानने का प्रयास किया कि क्या बात है कि ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, इसका क्या करामात है, क्या वजह है कि दोनों आपस में झगड़ने का काम कर रहे हैं, तो देखिए आगे क्या बताते हैं गुरु जी, कि जब दोनों आपस में झगड़ने का काम कर रहे हैं तो गुरु जी यहाँ पे दिखा रहे हैं, कुछ बातें को बता रहे हैं, और ऐसे बातों को बता रहे हैं जिसमें चेला जो है, चेला को बचा लेना है और खुद को बच जाना है। वो बता रहे हैं गुरु जी कि चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसे, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसे, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। यानी कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा यह ऐसी मुहूर्त है कि इसके जैसा सुंदर मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा,
वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, या संसार का छत्र उस पर तनेगा, यानी कि वह छोटा सा राजा नहीं बनेगा, जो इस समय मरेगा फांसी पर तो छोटा राजा नहीं बनेगा, वो बहुत बड़ा सम्राट चक्रवर्ती बनेगा। तो इस तरह से पूरे दुनिया पे वही राज करेगा। कहा राजा ने बात सच कह, सचगर यही कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। राजा ने कहा कि तब तो सही बात है, गुरु लोग झूठ बोलते नहीं है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही लुटूंगा, यानी कि उसी समय उन्होंने कहा कि इस समय फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा, अभी दोनों में से किसी को चढ़ने की जरूरत नहीं है। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई तब मरा मूर्ख राजा, यानी जब फांसी पर चढ़ गया राजा तो खूब बजा बजा, और प्रजा खूब खुश हुई और खूब बजा बजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी अनबुझ राजा। तो इस तरह से अब इस पे कुछ है प्रश्न को अपनाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि टके की बात अगर हम करते हैं, तो टके की बात में आप जानते हैं कि टके की बात में टका पुराने जमाने का सिक्का था, टका जो होता था पुराने जमाने का सिक्का होता था। अगर आज सब चीजें एक रुपया किलो के दाम में मिलने लगे तो उसमें किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखिए कि भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है, भारत में कोई भी चीज खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है, कि रुपये का इस्तेमाल होता है। और बांग्लादेश में अगर हम जाते हैं तो वहां पर टके का इस्तेमाल होता है। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं, और नीचे देशों की मुद्रा, जैसे तुम जानते हो कि सऊदी अरब का क्या मुद्रा है, लिखना है आपको सऊदी अरब का, जापान का, फ्रांस का, इटली का और इंग्लैंड का, ठीक है, कितने देशों के मुद्रा का नाम लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कविता की कहानी है कि इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखना है। और दूसरा प्रश्न इसका है कि क्या तुमने कोई इस तरह का माने और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ के से बिगड़ा काम बना हो, मैंने सूझबूझ के माध्यम से बिगड़ा हुआ काम भी बन गया, उसे अपनी कक्षा में सुना होगा, ठीक है। इसके बाद देखो कि कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य को लिखो, जैसे उसके सड़क के बारे में, उसके बाजार के बारे में, राजा के बारे में और राजकाज के बारे में लिखना है, ठीक है। और इसके बाद चौथा और अंतिम प्रश्न कि क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, उसने मैंने अपने जो उत्तर लिखे हो अपने उत्तर को क्या करो, उत्तर के कारण भी बताओ, ठीक है। बस इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।